नमस्कार दोस्तों, PNKD स्टडी पोर्टल के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज UPTPLSC के अभ्यर्थियों के लिए आज 4 अक्टूबर की एक बहुत ही बड़ी खबर है। तो देखिए, खबर यही है कि नई भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है। तो दोस्तों, साथ ही खुशखबरी भी है कि नई भर्ती का विज्ञापन देखिए बहुत जल्द आने वाला है। और देखिए, 3 लाख रिक्त पदों पर नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू। यह देखिए, यह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 3 लाख रिक्त पदों पर नई भर्तियों की प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। इससे पहले दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए, हम सब देखते हैं आज का क्या है पूरा खबर। तो देखिए, यह जो न्यूज है यह आज के न्यूज़पेपर अमर उजाला का एक आर्टिकल है। तो चलिए, हम सब देखते हैं क्या है पूरी खबर। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, 3 लाख रिक्त पदों पर नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू योगी। तो देखिए, 3 लाख रिक्त पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। और देखिए, साथ ही यहाँ पर लिखा है कि विभिन्न विभागों ने 1.5 लाख रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेजा। तो देखिए, विभिन्न विभागों ने जो है 1.5 लाख रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेज दिया है। तो चलिए, हम सब देखते हैं आगे पूरा खबर। तो देखिए, यहाँ पर लिखा, योगी सरकार ने करीब 3 लाख पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करा दी है। विभिन्न विभागों ने समूह क, ख, ग व घ के 1.5 लाख से ज्यादा रिक्तियों का ब्यौरा तैयार करके शासन को भेज दिया है। शेष रिक्तियों की सूचना भी जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में करीब 81,000 और पुलिस में 16,626 पदों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम दौर में है। और देखिए, इसके अलावा सीधी भर्ती के करीब 1.20 लाख व पदोन्नत के 31,000 से ज़्यादा पदों पर जल्द से जल्द नियुक्तियां कराने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि देखिए लिखा है 1.20 लाख व पदोन्नत के 31,000 से ज़्यादा पदों पर जल्द से जल्द जो है नियुक्ति करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण के बाद परिवीक्षाधीन पुलिस उपाधीक्षकों व सहायक अभियोजन अधिकारियों के दीक्षांत समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए 3 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिए जाने की जानकारी दी। और देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा ले लिया गया है। रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में विभिन्न चयन आयोगों एवं बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक करके प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने को कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और देखिए, यहाँ पर आगे लिखा है कि बीते 3.5 वर्षों में पारदर्शिता व सुचिता के साथ 3 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों, यह जो बात लिखा गया है, बीते 3.5 वर्षों में पारदर्शिता व सुचिता के साथ 3 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई गई। तो दोस्तों, इस बात का आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा कि क्या यह सच लिखा है कि बीते 3.5 वर्षों में 3 लाख जो है युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई है। इस बात पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप सब अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या यह सही है। और आप यहां पर देखिए, इसे आप देखिए, यहां पर लिखा है कि देखिए, CM ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चयन प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के 6 माह के भीतर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं। उन्होंने बताया कि 2017 से अब तक पुलिस में रिक्त पदों पर 1,37,253 भर्तियां की गई, जो वर्ष 2007 से 17 तक की गई भर्तियों से कई गुना ज्यादा। यानी यहां पर देखिए कहा गया है कि 6 माह में जो है नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। यहां पर देखिए, आप सब लिखा है कि सीधी भर्ती के 1.2 लाख और पदोन्नत के 31,000 पदों का ब्यौरा। यानी देखिए, सीधी पदों के लिए जो भर्तियां हैं 1.2 लाख हैं और पदोन्नत के लिए जो भर्तियां हैं 31,000 पद हैं। तो चलिए, हम सब देखते हैं
तो देखिए दोस्तों, समूहक्रम यदि देखा जाए तो सीधी भर्ती कुल 808 है और देखिए पदोन्नत के लिए कुल 1738 है। तो यानी देखिए समूहक्रम में सीधी भर्ती के कुल 808 है तो पदोन्नत के कुल 1738 पद हैं। इसी तरह समूह ख में देखिए सीधी भर्ती के कुल 5187 पद हैं तो पदोन्नत से देखिए 3932 पद हैं। और देखिए समूह ग में सीधी भर्ती से देखिए 75725 पद हैं तो पदोन्नति से देखिए 23659 पद रिक्त हैं। और देखिए समूह घ में यदि देखें तो देखिए सीधी भर्ती से 37888 पद रिक्त हैं और देखिए पदोन्नति से यदि देखा जाए तो 2148 पद जो है पदोन्नति से आए। तो देखिए दोस्तों, यह जो है सीधी भर्ती से खाली पदों का ब्यौरा है और देखिए इधर वाला जो है यह पदोन्नति से खाली पदों का ब्यौरा है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि शेष रिक्तियों की सूचना जो है जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश। तो देखिए 22840 पदों के प्रस्ताव लंबित 3311 नए प्रस्ताव भेजे। तो देखिए विभिन्न चयन आयोगों में विभागों की ओर से 22840 पदों पर भर्ती के लिए भेजे गए प्रस्ताव यानी अधियाचन अभी लंबित पड़े हैं। वहीं 1 अप्रैल 2020 के बाद भेजे गए 3311 पदों पर भर्ती की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। सरकार ने पहले से लंबित व अप्रैल के बाद भेजे गए प्रस्तावों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए यही एक लेटेस्ट अपडेट था। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप डेली UPT PLSC से लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।